टू माई चैनल डी आई एन ओन क्रिएशन एंड ये मेरा आज का पहला वीडियो है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कार्डबोर्ड से वॉल डेकोर कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। कार्डबोर्ड से हमने कुछ कटआउट्स लिए हैं, हाउस शेप्ड कटआउट्स, गेट्स के लिए कुछ कटआउट्स लिया है, कुछ रूप बनाना है, ये कॉर्नर में ऐड करना है, मास्किंग टेप लिया है, टिश्यू पेपर वॉल टेक्सचर के लिए एंड ब्रिक्स के लिए कार्डबोर्ड कटआउट्स, ग्लू लिया है। यहाँ पे हमने मास्किंग टेप के मदद से कार्डबोर्ड के एजेस को कवर करना है। यहाँ पे बेस कोट देंगे। गाइस मैं यहाँ पे ब्रिक्स को ग्लू के मदद से स्टिक कर दूंगी। कुछ स्पेस छोड़ दूंगी लाइट्स एंड डोर्स के लिए। गाइस मुझे यहाँ पे लाइट्स को चिपकाना है और यहाँ पे डोर को चिपकाना है। इसको हमें बाद में चिपकाना है। उसके बाद टिश्यू पेपर से पूरा ब्रिक्स को कवर करूंगी, देन ग्लू एंड वाटर के मिक्सर से स्टिक करूंगी टिश्यू के ऊपर। ध्यान रहे ये टिश्यू एंड वाटर का मिक्सचर सेम प्रोपोर्शन रहना चाहिए, नहीं तो गीला हो जाएगा, गीला होने से टिश्यू पिघल जाएगा। गाइस अभी हमें 10 से 12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है, देन हमें डोर को ग्लू से स्टिक कर देंगे। फिर गार्डन स्पेस को अटैच कर देंगे ग्लू के मदद से। गाइस गेट को गार्डन स्पेस के साथ स्टिक कर देना है और नीचे कुछ सपोर्ट रख देंगे सूखने के लिए। यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप रखा है लेकिन फिर निकाल लिया है क्योंकि थोड़ा छोटा हो रहा था, इसीलिए सेम साइज का डब्बा रख दिया है मैंने यहाँ पे। जब चिपक जाए आप उसे निकाल भी सकते हैं। हमें यहाँ रूफ को ग्लू से स्टिक कर देना है। फिर हमें यहाँ दूसरे साइड को स्टिक करना है, फिर मिडिल पार्ट को स्टिक करना है ग्लू के मदद से, जैसे गैप ना रहे। यहाँ मैं पूरे वॉल को एक्रिलिक वाइट कलर से कलर कर दूंगी। वाइट कलर से कलर करने से पूरा कलर एनहांस हो जाए, जो देखने के लिए अच्छा भी लगे। डोर को भी वाइट कलर करूंगी क्योंकि मुझे डोर लाइट ब्लू कलर करना है।
देन व्हाइट एंड ब्लू मिक्सर 3:1 से पेंट करेंगे, इससे लुक अच्छा है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से पेंट किया है, व्हाइट एंड ब्लू प्रोपोर्शन 3:1 रहना चाहिए जिससे कि लुक वाइज अच्छा लगेगा। देन ब्रिक्स को मैं ग्रे कलर करूंगी। अगर आपके पास ग्रे कलर नहीं है तो व्हाइट एंड ब्लैक को मिक्स करके ग्रे कलर बना सकते हैं। फिर मैं आउटलाइन दूंगी फॉर फिनिशिंग लुक। गाइस मैं यहाँ पे गेट को रेड कलर करूंगी, रूफ को रेड कलर करूंगी, बाउंड्रीज को भी रेड कलर करूंगी। रेड रखा है क्योंकि वॉल और डोर में लाइट कलर रखी हूँ जिससे कि कलर पूरा एनहांस हो जाए और सुंदर भी लगे। अगर आप चाहे तो कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। देन प्लांट्स एंड फ्लावर्स बनाएंगे। प्लांट्स को ग्रीन एंड फ्लावर्स रेड रखेंगे। गैस यहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई पेंट करने में क्योंकि मैंने पहले से ही स्टिक कर दिया है गेट्स को। देन गार्डन स्पेस को ग्रीन कलर करूंगी क्योंकि गार्डन हमेशा ग्रीन कलर ही रहता है। यहाँ मैं होम लिख रही हूँ, आप चाहे तो कुछ और कोट लिख सकते हो जैसे होम स्वीट होम और कुछ और पेंट भी कर सकते हो। गाइस मैंने डोर को थोड़ा ग्रीन कलर से कलर कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने लाइट्स के कटआउट को स्टिक कर दिया है ग्लू के मदद से। मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई के स्टिकर स्टिक किया है, आप चाहें तो इसे खुद बना सकते हो। गाइस मैंने यहाँ पे जूट रोप को ट्विस्ट करके हॉट ग्लू से स्टिक करूंगी, उसको कार्डबोर्ड पीसेस से स्टिक करूंगी जो हमने ब्रिक्स के लिए बनाए थे। मास्किंग टेप के मदद से कार्डबोर्ड को हम सिक्योर कर देंगे। नाउ इट्स रेडी टू हैंग। लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।